हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। स्कैल्प सोरासिस के पेशेंट्स के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि अपने स्कैल्प का ध्यान वो कैसे रखें या ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो उनको फ्लेकिंग, इचिंग, ड्राइनेस में हेल्प करेंगे और भी जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं उससे वो बचाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको स्कैल्प सोरासिस हो रहा है या सोरासिस के साथ स्कैल्प में भी सोरासिस है तो आप पहले तो प्रोडक्ट्स वाइजली चूज़ करें। और मैं पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ कि सिया आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे सोरासिस किट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे ये शैम्पू भी देते हैं, ऑयल भी देते हैं, जिससे आपकी फ्लेकिंग, ड्राइनेस, इचिनेस सब ठीक हो जाता है और आपका सोरासिस ठीक होने लग जाता है। अगर आपको सोरासिस हो रहा है स्कैल्प में और फ्लेकिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत टाइट पॉनीटेल नहीं बांधनी है। आपको बाल लूजली इसको बांधना है रबर बैंड से, या बहुत हो सके तो खुले रखें, या फिर इसको बहुत लाइट या बहुत टाइटली ना बांधें, बहुत लूज छोड़ सकते हैं या लूज तरीके से इसको आप टाई अप कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन जो स्प्रेज होते हैं, जेल्स होते हैं, सिरम्स होते हैं, ये सब आप नहीं लगाएंगे जब तक आपको कोई डॉक्टर रेकमेंड ना कर दे। बहुत ज़्यादा आप आयरनिंग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं करेंगे, जो ड्रायर करते हैं, आयरन करते हैं, वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और हफ्ते में कितनी बार शैम्पू कर सकते हैं? बस 2 से 3 बार, क्योंकि शैम्पू का काम बस क्लीनिंग का होता है। शैम्पू से कभी भी डैमेज नहीं होता, पहली बात। और शैम्पू को आपको स्कैल्प पे लगा के क्लीन करने की ज़रूरत होती है ताकि ड्राइनेस, डस्ट, जो भी आपके अंदर डर्ट चल रहा है स्कैल्प के अंदर, वो क्लीन आउट हो जाए। तो आपको शैम्पू यूज़ करना है 2 से 3 बार हफ्ते में आप कर सकते हैं। बहुत गर्म पानी से शैम्पू नहीं करना आपको, ल्यूक वार्म वाटर आप यूज़ कर सकते हैं या ठंडा पानी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्म पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी खुजली बढ़ सकती है, ड्राइनेस बढ़ सकती है, फ्लेकिंग बढ़ सकती है, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। अब जब बाल सूखते हैं तो उसको नेचुरली आप सूखने दो, आप कोई भी ड्रायर यूज़ मत करो। नेचुरल जो भी टावल्स होते हैं हमारे अच्छे क्लॉथ के, जो मसलिन क्लॉथ के टावल होते हैं, उनको आप यूज़ करें और नेचुरली बालों को ड्राई होने दें। अब शैम्पू करने से पहले या तो ओवरनाइट आप तेल लगा के छोड़ सकते हैं स्कैल्प में, या फिर आप शैम्पू करने से 2-3 घंटे पहले भी तेल या अपने जो भी आप ट्रीटमेंट का पार्ट है, क्रीम्स, वो अप्लाई करके आप छोड़ सकते हैं और फिर शैम्पू कर सकते हैं। और लास्टली, आपको ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो अंदर से आपके स्किन सेल्स को डैमेज होने से रोके, जो डैमेज सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको वो बढ़ने से रोके और अंदर से आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिवर्स करे। तो आप अपना ट्रीटमेंट वाइजली लेंगे ताकि अंदर से आपकी ये बीमारी ठीक हो। और अगर आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही और कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मुझसे आके मिल सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और इसका एक सही सोल्यूशन पा सकते हैं। एंड अगर कोई भी प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं फॉर योर स्कैल्प सोरासिस, तो सिया आयुर्वेदा की आप किट यूज़ कर सकते हैं, सोरासिस किट, जिसमें वो बहुत अच्छे शैम्पू देते हैं, ऑयल्स देते हैं, जिससे आपके सोरासिस में जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ब्यूटिफुल।